अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू अम्मी का ख़ज़ाना। आज हम आलू की बिरयानी बनाएंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरी नई नई रेसिपीज़ आपको मिलते रहेंगे। उसके लिए हमने आधा किलो आलू लिया था। आलू को मैंने छील कर और इस तरीके से इसमें मैंने सुराख करके इसे मैंने फ्राई कर लिया है। और हमें चाहिए हरी धनिया की पत्ती और ये फूड कलर है जो मैंने दूध में पहले से घोल कर रखा है। और हमें चाहिए रोज़ वाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, दो बड़े प्याज जो मैंने फाइनली इस तरीके से ग्राइंड कर लिया है। और हमें चाहिए टमाटर। और मसाले में हमें चाहिए गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च। और हमें चावल के लिए कुछ मसाले चाहिए जिसमें है तेज़पत्ता, ज़ीरा, हरी इलायची, 3 से 4 लौंग, हरी मिर्च, नमक। और इसे हमने 1 घंटे पहले से भिगो कर रख दिया था। और हमें चाहिए फ्राई किया हुआ प्याज, ये 2 बड़े प्याज जो मैंने फ्राई करके पहले से रख लिए हैं। अब आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आलू को हम मैरिनेट करने के लिए रखेंगे। एक प्याला लेंगे, इसमें सारा आलू हम डाल देंगे। इसी में हम दही डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये सारे मसाले इसी में हम ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छी तरीके से मिलाकर 20 मिनट के लिए इसे हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। 2 बड़े चम्मच तेल के हमने लिए हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम 1 बड़ी इलायची और 4-5 से लौंग डालेंगे। अब इसी में हम प्याज डाल देंगे। अब इसी में हम टमाटर डाल देंगे। हाई फ्लेम पर अच्छी तरीके से भून लेंगे। देखिए प्याज और टमाटर को मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है और इसे मैरिनेट हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम सारा इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये मसाला मैंने इसमें था, इसमें थोड़ा सा पानी लेके डाल दिए हैं। और इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर हम आलू को गलाएंगे। 80% आलू हमारा गल जाना चाहिए। इसे हम ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम खोल कर देखते हैं। मसाला भी हमारा अच्छी तरीके से हो गया है। अब आलू को हम चेक करते हैं। आलू भी हमारा 80% गल गया है और बाकी हमारा दम जब हम बिरयानी में लगाएंगे तो वो सारा गल जाएगा। अब गैस को हम ऑफ कर देते हैं। अब इसमें हम रोज़ वाटर डाल देंगे और थोड़ा सा तला हुआ प्याज डाल देंगे। थोड़ा प्याज हम बचा के रखेंगे। चावल का पानी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे। नमक डाल देंगे और चावल को हम 80% बॉयल होने देते हैं। पानी हमारा बॉयल हो जाएगा फिर हम चावल डालेंगे। पानी हमारा बॉयल हो गया है। अब इसी में हम चावल डाल देंगे और चावल को हम 80% तक उबाल देंगे। चावल को मैंने बॉयल कर लिए हैं। अब हम तह लगाएंगे। सबसे पहले चावल डालेंगे। अब इसमें हम अपना मसाले वाला आलू पूरा डाल देंगे। अब इसके ऊपर से हम सारा चावल इस तरीके से लगा देंगे। अब इस पे हम जर्दा वाला रंग डाल देंगे। प्याज डाल देंगे
हरा धनिया डाल देंगे। अब ऊपर से हम थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे। अब इसे हम दम पर रखेंगे। इस तरीके से एक कपड़ा ले लेंगे और इसके ऊपर ये ढक्कन रख कर 10 मिनट हाई फ्लेम पर, 15 मिनट लो फ्लेम पर इसे हम होने देंगे। दस मिनट हाई फ्लेम पर, 15 मिनट लो फ्लेम पर मैंने किया था। अब आइए खोल कर देखते हैं। ये देखिए सारा भाप ये ऊपर आ गया है, इसके मतलब हमारा बिरयानी होकर बनकर तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और 10 मिनट यूं ही रहने देते हैं। ये आलू की बिरयानी बनकर रेडी है। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।